21 फरवरी पूरा दुनिया में अंतर्जातिक मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये है ढाका यूनिवर्सिटी, आप जो बांग्लादेश में, तब पाकिस्तान में थे तो वहाँ मातृभाषा था उर्दू इम्पोज कर रहे थे, तो फिर बंगाली लोग ने, वहाँ के जो बंगाली मेजोरिटी है उन्होंने अपोज किया। और इस दिन में हमारा ढाका यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा जुलूस निकला, और जब जुलूस निकला उसमें पुलिस ने गोली चलाया और 6-7 यंग स्टूडेंट्स का देहांत हुआ। उस दिन को याद करके हम हर साल 21 फरवरी को बांग्ला मातृभाषा दिवस मनाते थे। उसके बाद में यूनेस्को ने रिसेंटली 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स डे डिक्लेयर किया हुआ है, और पूरा विश्व भर में आज के दिन इंटरनेशनल मदर्स डे मनाते हैं। इसके लिए क्यों, मातृभाषा ये एक ही चीज़ है जो देश हमको जमीन के साथ जोड़ रहा है। हम चंडीगढ़ में बंगाल से इतना दूर है, लेकिन हमारा रिलेशन जो बंगाल के साथ है दैट इज़ बेसिकली लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज जो है हमारा बात है वो इकट्ठा करने के लिए हमें बंगाल सांस्कृतिक सम्मेलन बनाया। और यहाँ का बंगाली जितना है चंडीगढ़, ये सब यहाँ सदस्य है, तो हम बंगाल के साथ जुड़े रहते हैं ये भाषा से, इसके लिए हमारी भाषा गया था। और इस साल ये हम BSS के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, हम इतने साल से मातृभाषा मना रहे हैं, इस साल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे जो हमारे यहाँ लैंग्वेज के भवंस हैं उनको यहाँ पर बुला के उनके साथ हम मिलजुल के बैठ के आज हम एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें उनका भी कुछ भाग रहेगा, वो हमसे कुछ सीखेंगे और हम उनसे कुछ सीखेंगे, और आगे के वर्षों में ये चलता रहे। तो हमारी यही कोशिश है, और हम यही चाहते हैं कि सभी भवन, जैसे तमिल के हैं, मलयालम के हैं, गुजराती होगी, राजस्थानी होगी, मराठी होगी, और बाकी भी जितने भी भवन हैं लैंग्वेजेस वाले, वो यहाँ आए। और मातृभाषा की जहाँ आपने बात की है, तो मातृभाषा का सबसे बड़ा चीज़ है, जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके लिए सबसे पहले वो माँ ही होती है, और माँ के ही करीब होता है वो बच्चा, तो उसने जो भाषा सीखना होता है वहीं से माँ से ही सीखता है, और उसका पहला शब्द भी माँ ही आता है, तो वहाँ से ये मातृभाषा का शुरू हुआ है। और हम अपना, अगर मैं बंगाली समुदाय की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, काफ़ी समाज के लोग हैं जो इस मातृभाषा से बहुत प्यार करते हैं, और ये करते रहेंगे जब तक इस जीवन में हम लोग यहाँ हैं।